तो पिछले हफ्ते हमने किस विषय पर देखना शुरू किया था, कोई बताएगा? सामने लिखा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने कौन से विषय पर हमने शिक्षा पाना शुरू किया था, सारे बताएं? शैतान पर विजय कैसे पाएं? यू नो, कभी कभी हमारा जीवन ऐसे होता है, हम उन चीजों पर विजय पाना चाहते हैं जिन चीजों पर, फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरे लोगों पर विजय पाना चाहते हैं, हम और लोगों के ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं। हमारा जो पूरा जोर है, हमारी ताकत है, हमारी इच्छाएं हैं, हम संसारिक चीजों के ऊपर काबू पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे तो ये संसार की जो मूलभूत बातें हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, ये सब चीजें हमारे पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। कभी कभी हम उन चीजों के लिए इतना जोर लगा देते हैं जो चीजें प्रभु ने हमें वादा किया है कि वो हमें देगा। हालेलुया। हम अपना फोकस, अपनी ताकत, अपना जोर उन चीजों पे लगा के खत्म कर देते हैं जो चीजें प्रभु ने हमें वैसे ही देने का वादा किया है। हालेलुया। लेकिन जिस चीज पर हमें जोर और ताकत लगानी चाहिए, जिस चीज पर हमें ध्यान लगाना चाहिए, जिस चीज पर काबू पाने की हमें कोशिश और मेहनत और प्रार्थना और समर्पण और ये सब कुछ हमें करना चाहिए, उस चीज को हम छोड़ देते हैं। वो चीज कौन सी है? शैतान। शैतान के ऊपर काबू पाना है अपने जीवन में हमें। परमेश्वर ने क्रूस पर, आज मैं आपको सिखाऊंगा, क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए जीत हासिल कर चुका है। हालेलुया। और उस जीत को, क्रूस से उस जीत को अपने जीवन में उतार के लेके आना है और अपने जीवन में एक विजयी जीवन, हालेलुया, एक ऐसा जीवन, अपने जीवन की सारी बातों पर काबू पाने के लिए हमें परमेश्वर हिम्मत देता है। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में जहां जहां आने की कोशिश करता है, शैतान हमारे जीवन में जहां जहां आकर के सब कुछ उथल पुथल और खराब करने की कोशिश करता है, उन क्षेत्रों पर हम परमेश्वर यीशु मसीह के जो क्रूस पर जो उसने हमारे लिए जीत हासिल की है, उस जीत को अपने जीवन के उन क्षेत्रों पर लागू करके हम विजयी जीवन जी सकते हैं। और इसी पर हम ध्यान ज्यादातर नहीं देते हैं। नए नियम में यीशु मसीह ने 136 बार शैतान के बारे में शिक्षा दी। कितनी बार? नॉट सिर्फ यीशु मसीह, नए नियम में जिसने लिखा है नए नियम में, कुल मिलाकर के 136 बार हम देखते हैं कि शैतान और हमारा जो आत्मिक विरोधी है, शैतान की शक्तियों के बारे में 136 बार लिखा हुआ है। इसलिए आज मैं आप लोगों को शैतान के विषय में और सिखाना चाहता हूं। यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बहुत बात की। यीशु मसीह ने जब लोगों को अपने पास बिठाया और जब यीशु ने लोगों को शिक्षा दी, तो यीशु मसीह ने शैतान के बारे में सिखाया लोगों को। जैसे मैं आपको बताया था पिछले हफ्ते में कि यीशु ने शैतान को क्या कहा? शत्रु नाम दिया है। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हारा कोई व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता, ना तुम किसी को शत्रु कहना, और जब लोग तुम्हें शत्रु समझते हैं, तुम उनको प्यार करना, उनको क्षमा करना। लेकिन हम इसलिए इस संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है, केवल एक हमारा शत्रु है और वो है शैतान। उसे शत्रु किसने कहा? हमारे प्रभु ने उसको शत्रु कहा। सोचने वाली बात है, हमारा प्रभु जो प्रेम सिखाने वाला प्रभु है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने सबको प्रेम सिखाया, तो शत्रुता की बात कहां से आ गई? इसलिए कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई आदमी हमारा शत्रु नहीं है। एक ही हमारा शत्रु है, वो है शैतान। वो है हमारा शत्रु, क्योंकि वो परमेश्वर का भी शत्रु है, वो परमेश्वर के राज्य का शत्रु है, वो परमेश्वर के खिलाफ है, वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है, वो परमेश्वर के योजनाओं के खिलाफ है, वो परमेश्वर की सारी बातों के खिलाफ है, इसलिए वो शत्रु है। उसने परमेश्वर का स्थान तो छोड़, उसने परमेश्वर के स्थान, जो परमेश्वर की जो गद्दी है, परमेश्वर का जो तख्त है, उसका जो सिंहासन है, उसके भी ऊपर पहुंचने की उसने कोशिश की, इच्छा रखी, लालसा रखी। यही उसका पाप था, घमंड और लालच उसका पाप था जब वो स्वर्ग में था, जब वो फरिश्ता था। इसलिए वो शत्रु है। प्रभु ने उसको शत्रु कहा, प्रभु ने उसको दुष्ट भी कहा। हम सबको एक दूसरे के साथ भलाई करने के लिए यीशु ने सिखाया, लेकिन एक है जो, जिसको प्रभु ने क्या कहा? दुष्ट कहा। क्या कहा प्रभु ने शैतान को? दुष्ट कहा।
प्रभु ने उसको संसार का राजकुमार, मतलब संसार का सोच विचार, संसार की फिलॉसफी, संसार जिस तरह की विचारधारा को रखता है, संसार जिस तरह की विचारधारा में चलता है, उसके पीछे कौन है? शैतान है। इसी ये शैतान संसार का राजकुमार या दुनिया का राजकुमार, उसका मतलब ये है दुनिया की विचारधारा परमेश्वर की विचारधारा से नहीं मिलती है, क्योंकि दुनिया की विचारधारा, संसार की विचारधारा के पीछे कौन है? शैतान है। इसीलिए प्रभु ने उसको कहा संसार का राजकुमार। यीशु मसीह ने शैतान को झूठा कहा। दुनिया में पाप कैसे आया? जब शैतान आदम, खासतौर पे हवा के पास एक बात को लेकर के आया, और वो बात क्या थी? झूठ थी। झूठ क्या कहा? अगर तू इस फल को खाएगी तो तू अवश्य नहीं मरेगी। परमेश्वर ने क्या कहा था? अगर तू इस फल को खाएगी तो अवश्य मर जाएगी। शैतान ने क्या बोला? अगर तू इस फल को खाएगी तो तू अवश्य नहीं मरेगी। कहने का मतलब शैतान झूठ का प्रयोग करता है हमारी कानों में, या तो डायरेक्टली हमारी आत्मा में किसी थॉट के द्वारा, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा वो हमारे जीवन में झूठ बो देता है, झूठ हमारे मन में डाल देता है, और वो झूठ है जो हमें पाप की ओर लेके जाता है। पाप हमें मार डालेगा, बाइबल कहती है, लेकिन शैतान या तो हमारे मन के विचार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हमसे क्या कहता है? नहीं, तुम नहीं मरोगे, कर लो, कोई बात नहीं, प्रभु माफ करने वाला है, कर लो। झूठ बोलता है। यहां तक कि प्रभु ने उसको झूठ का पिता कहा। ये देख रहे हैं आप, यूहन्ना 8 उसके 44 में यीशु ने शैतान को क्या कहा? सारे पढ़ो, और क्या कहा? झूठ का पिता, मतलब झूठ का सरदार, झूठ का पिता। झूठ वहीं से शुरू होता है। सारी शिक्षा जो गलत है शुरू कहां से होती है? झूठ के पिता से शुरू होती है, शैतान से शुरू होती है। और प्रभु ने उसको क्या कहा? हत्यारा तक कह दिया। सिर्फ झूठ का पिता नहीं कहा, या दुष्ट नहीं कहा, दुष्टता का मालिक, दुष्टता का सरदार, दुष्टता का पूरा कुआं, या दुष्टता का पूरा पहाड़ शैतान है, और उसे कहा हत्यारा, हत्या करने वाला। हम क्या गीत गाते हैं? चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। कौन है ये चोर? शैतान है। प्रभु यीशु ने शैतान के बारे में कहा चोर आया चोरी करने, यानी कि शैतान आया चोरी करने, आत्माओं की चोरी करने के लिए, घात और हत्या करने के लिए। आप लोगों को परमेश्वर से दूर करने का काम है उसका, और जो परमेश्वर से दूर हैं ऑलरेडी, उनको परमेश्वर के पास आने से रोकना उसका काम है, और जो ऑलरेडी प्रभु के पास हैं उनको दूर लेके जाना शैतान का काम है। यही है हत्या। हत्या का जो जिस प्रकार की हत्या शैतान करता है, वो हत्या ऐसे नहीं कि हम, मतलब वो खून निकालने वाली हत्या, वो वाली हत्या तो और एक फिजिकल हत्या है। जो हत्या शैतान करता है वो हत्या कौन सी है? लोगों को परमेश्वर से दूर करना। ये सब कुछ कहा यीशु मसीह ने शैतान को, ये नाम दिए। मेरे पीछे बोले शत्रु, दुष्ट, संसार का राजकुमार, झूठा, झूठ का पिता, और हत्यारा। दिस इज वॉट द डेविल इज, एंड दिस इज हाउ जीसस नेम्ड हिम। ये नाम दिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को। और पिछले हफ्ते हमने आपको तीन बातें सिखाई थी। पहली बात जो हमने आपको सिखाई थी वो ये है, गार्डिंग अगेंस्ट द डेविल। हम सब लोग जो विश्वासी लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें शैतान के विरुद्ध चौकस रहना है, शैतान की चालों के विरुद्ध हमें चौकस रहना है। ये बाइबल सिखाती है इन बातों को, वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट द डेविल, शैतान की बातों के विरुद्ध चौकस रहना। चौकस रहने का मतलब क्या है? ये मैं अभी आपको जो पिछले हफ्ते सिखाया था उसका मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं। जो लोग, कितने लोग यहां पे हैं जो लास्ट संडे नहीं थे यहां पे, हाथ उठाएं, जो पिछले इतवार को यहां पे नहीं थे। ये मैंने पिछले हफ्ते सिखाया था, गार्डिंग अगेंस्ट द डेविल, शैतान की बातों के विरुद्ध चौकस रहना है, केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। बाइबल के कम से कम 20 वचन मैंने आपको पिछले संडे बताए थे। आज मैं सारे वचन नहीं खोल सकता, लेकिन सिर्फ उसका जो संक्षेप में मैं आपको बता सकता हूं कि हमें शैतान के विरुद्ध चौकस रहना है, क्योंकि वो गरजने वाला सिंह तो है, पर वो आता किस रूप में है? ज्योति के स्वर्गदूत में के रूप में आता है। इसलिए हमें चौकस रहना है।
अगर शैतान काले कपड़े पहन के लंबे बाल खोल के दांत बाहर निकाल के आए तो क्या आप उसकी बात को सुनेंगे? अगर वो अपने असली गंदे भयानक रूप में आए तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? फिर तो बहुत आसान है शैतान से बचना। शैतान आपके पास आए और बोले हेलो, जय मसीह की तो बोलेगा नहीं, वो प्रभु की जय तो कर नहीं सकता, बोलेगा नमस्ते मेरा नाम शैतान है, चलो मैं कुछ बताऊं आपको। आप में से कितने लोग उसकी बात को सुनना चाहेंगे? इसीलिए चौकस रहना है, क्योंकि वो है तो गरजता हुआ शेर, पर वो प्रकट किस रूप में होता है? ज्योति के फरिश्ते के रूप में प्रकट होता है। इसलिए चौकस रहना है, जिस लोगों की आप आवाज को सुन रहे हो, जिन लोगों की आप वाइज, जिन लोगों की सलाहों को आप लेते हो, जिन लोगों की सजेशन को आप लेते हो, जो लोग आपके जीवन में जो बातें करते हैं, आपको परखने की आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति मुझसे बोल रहा है क्या ये प्रभु की आत्मा से बोल रहा है या शैतान की आत्मा से बोल रहा है। प्रभु यीशु के अंदर ये परखने वाली आत्मा काम कर रही थी। मैंने आपको बताया था पिछले संडे कि एक बार यीशु मसीह ने लोगों को बताया कि मुझे क्रूस पर मरना होगा, मुझे अपनी जान बलिदान करना होगा। पतरस ने क्या बोला? पतरस क्या बोला? नहीं प्रभु, आप क्रूस पर नहीं मर सकते। यीशु मसीह के अंदर परखने वाली आत्मा थी, तो यीशु समझ गया ये पतरस नहीं बोल रहा है, इसके अंदर से कौन बोल रहा है? शैतान। तो प्रभु ने क्या बोला? हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। इसलिए वो ज्योति का फरिश्ता, अरे यीशु का अपना सबसे प्रिय चेला बोला। कभी कभी शैतान की बात आपकी पत्नी आपको बोल सकती है, आपका पति आपको बोल सकता है, आपके दोस्त आपको बोल सकते हैं, इवन चर्च के लोग भी आपस में कभी कभी शैतान की प्रेरणा में आके एक दूसरे को शैतान की बात बता सकते हैं। और आप कहें हाँ ये तो चर्च के बंदे ने मुझे ये बात बोली है तो सही होगी ना। शैतान बहुत बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है। इसलिए हमें ध्यान रखना है किसकी आवाज को हम सुनते हैं, किसके पास हम जाते हैं जब हम अपनी जिंदगी में फंसे हुए होते हैं, किसके पास पहुंचते हैं सबसे पहले, किन लोगों की संगति में हम रहते हैं। देखो, बुरी संगति में रहोगे तो अच्छी बातों का असर तुम्हारे ऊपर होगा, इसकी कामना मत करो। किस तरह की संगति में रहते हो, किन लोगों की सलाहों पर आप अपना जीवन जीते हो। हमें शैतान के विरुद्ध चौकस इसलिए रहना है क्योंकि वो गरजने वाला सिंह तो है पर वो ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत के रूप में आता है। हमें शैतान के द्वारा, दूसरी बात, हमें शैतान के विरुद्ध चौकस रहना है क्योंकि वो लगातार सही समय का इंतजार करता रहता है, जैसे वो यीशु मसीह के साथ करता था। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि शैतान यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु मसीह को अपनी बातों में फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की, उसने चाहा कि यीशु मसीह गिर जाए, उसने चाहा कि यीशु मसीह शैतान के सामने नतमस्तक कर दे, माथा टेके। उसके बाद यीशु मसीह ने वचनों से उसका सामना किया और अंत में उसे कहा कि तू निकल यहां से, और वो चला गया। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है? शैतान वहां से चला गया लेकिन सही समय का इंतजार करता रहा। कहने का मतलब, अगर एक बार शैतान आपके सामने आता है और आपने उसका सामना किया, दोबारा भी आने की कोशिश करेगा। वी नीड टू बी केयरफुल बिकॉज ही लुक्स फॉर एन अपॉर्चुन टाइम। हमें इसलिए चौकस रहना है क्योंकि शैतान सही समय का इंतजार करता है, इसलिए वो हमारी जिंदगी में बार बार आ सकता है। मैंने आपसे कहा था कि आमतौर पर जो मेरा अनुभव है, एक हफ्ते में दो या तीन बार, एक हफ्ते में कम से कम दो, कम से कम कह रहा हूं मैं, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते में कम से कम दो या तीन बार शैतान का आपको आमना सामना करना पड़ेगा, जब आपको पता है कि यह शैतान है, पर आपको बहुत चौकस रहना है कहीं आप उसकी बातों में नहीं आ जाएं। तीसरा, हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए और किसी को माफ करने में देरी नहीं करनी चाहिए। पौलुस ने ये बातें बताई, ये तो सिर्फ मैं संक्षेप में निकाल के मैंने लिखा, ये मैंने नहीं बनाया, ये बाइबल से हमने सीखा था पिछले हफ्ते। कहा था कि तुम ज्यादा देर तक गुस्सा मत रखो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा देर तक किसी के खिलाफ गुस्सा रखोगे तो तुम शैतान को अपने जीवन में पैर रखने का मौका देते हो। डू नॉट गिव द एनिमी अ फुट होल्ड, शैतान को अपने जीवन में पैर रखने की जगह मत दो। इसका मतलब क्या है? बाइबल में जिस तरह से यह सिखाया गया है वो गुस्से के विषय में लिखा गया है। अगर आप अपने मन में किसी के खिलाफ ज्यादा देर तक गुस्सा रख रहे हो तो गारंटी ले लो इस बात की कि आपके जीवन में शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। अब गुस्सा आना, परेशान मत होइए आप लोग मेरी बात को सुनकर, गुस्सा आना आम बात है। जैसे हमें किसी पर दया आती है, कितने लोगों को लोगों पर दया आती है,
जिस प्रकार हमारे अंदर दया एक भावना है, उस प्रकार हमारे अंदर गुस्सा भी एक भावना है। गुस्सा आना समस्या नहीं है, लेकिन गुस्से पर काबू ना पाना समस्या है। और आगे जब पौलुस सिखा रहा था, दूसरा कुरिन्थियों में वो लिख रहा है, दूसरे अध्याय में पौलुस लिख रहा है, और क्या कहता है कि तुम लंबे समय तक किसी को अपने मन में माफी मत रखो, कि ऐसा ना हो कि तुमने 10 साल हो गए तुमने किसी को माफ नहीं किया। अगर तुम लंबे समय तक किसी को माफ नहीं करते हो, लंबे समय तक, बहुत 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 1 साल हो गया, आप किसी को किसी बात के लिए माफ नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है। लिखा है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द डेविल स्कीम, हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं है। और वहां पर पौलुस माफी की बात करता है, कहने का मतलब अगर हमारे जीवन में किसी के प्रति अमाफी है तो शैतान काम कर सकता है। फिर हमने सीखा था रेजिस्टिंग द डेविल, पहले हमने देखा गार्डिंग अगेंस्ट द डेविल, मतलब शैतान के विरुद्ध चौकस रहना, केयरफुल रहना, सावधान रहना। और फिर हमने सीखा था विरोध करते हुए शैतान का सामना करना, क्योंकि आप कितना भी सावधान रह लो, आप कितना भी, कि हम आम कमजोर लोग हैं, आपके जीवन में कभी कभी ऐसा हो, बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि आप सावधान तो हैं लेकिन हर समय सावधान, और इसलिए कभी ना कभी शैतान आपके बहुत करीब आ जाएगा, और वहां पर आपको उसका सामना करना है, डर के नहीं भागना है, शैतान का हमें सामना करना है, विरोध करते हुए शैतान का सामना करना है। विश्वासी लोगों को शैतान से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की छतरी के नीचे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया है, तो शैतान से डरने की आपको 1% भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, क्या? सामना करने की। अगर आप सामना करेंगे, वो जानता है आप प्रभु के अधीन है, वो भाग जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में डर आ गया, तो वो डर शैतान के लिए आपके जीवन के अंदर आने का एक दरवाजा बन जाता है। विश्वास में हम किस प्रकार, हमने क्या सीखा, क्या लिखा है सामने, विरोध करते हुए शैतान का सामना करना। कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं विरोध करते हुए? हम विश्वास में मजबूत होने के द्वारा उसका सामना करते हैं। ये सारी चीजें बाइबल से हमने सीखी थी, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। जो पहली चीज आपको चाहिए वो विल पावर या मसल पावर नहीं है, मतलब आप बड़े ताकतवर हैं और आप बड़े अंदर से बड़े मजबूत आदमी हैं तो आप सामना कर पाएंगे, नहीं, ये चीजें आपके काम नहीं आती हैं, विश्वास आपके काम आता है। अगर एक चीज है, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है विश्वास की ढाल, हालेलुया, विश्वास आपकी ढाल है, विश्वास आपके लिए वो रीढ़ की हड्डी है जिसमें आप सीधे खड़े रहते हैं। शैतान एक चीज को झेल नहीं सकता, क्या चीज? आपके दिल में प्रभु के ऊपर विश्वास है। इसलिए विश्वास में मजबूत बने रहने के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा हम उसका सामना कर सकते हैं, मतलब बाइबल कहती है सबमिट योर सेल्फ टू गॉड, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका दो, समर्पण कर दो, और फिर लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो और वो तुमसे भाग जाएगा। मतलब शैतान का सामना करने से पहले परमेश्वर के साथ साथ चलना जरूरी है। हम में से बहुतों का जीवन कैसा है? हम प्रभु के साथ साथ तो चलते नहीं है, हमारा आत्मिक जीवन तो ठीक नहीं है, और हम निकल पड़ते हैं सामना करने के लिए, और इसीलिए हम हार के वापस आते हैं। इसलिए पहली रिक्वायरमेंट यह है, सबमिट योर सेल्फ टू गॉड, अपने आप को प्रभु को समर्पण करो और वो तुमसे दूर चला जाएगा। परमेश्वर के वचन और आज्ञा देकर हम उसका सामना करते हैं। आपके जीवन में वचन कितना है? कितना वचन सुनते हो? कितना वचन पढ़ते हो? कितना वचन की बातें करते हो? कितना वचन के बारे में दूसरों से आप विचार विमर्श करते हो? जितना आपके जीवन में वचन होगा, उतना वचन शैतान के विरुद्ध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, तो यीशु मसीह ने संसार की बुद्धि की बातें नहीं करी शैतान के साथ। शैतान के हर सवाल का जवाब यीशु ने किस प्रकार दिया? बाइबल के वचन निकाल निकाल के शैतान को बताए। अगर आपके अंदर बाइबल के वचन नहीं होंगे, तो जब शैतान आपका सामना करेगा, कौन सा वचन आप बताएंगे? आपका खालीपन, आपका खोखलापन, अगर शैतान को पता है इसके अंदर वचन नहीं है, और ज्यादा वो आपके पास आएगा, आप खालीपन में रहेंगे और उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वचन का पढ़ना, वचन का सुनना, प्रवचनों का सुनना बहुत बहुत जरूरी है।
प्रभु का आत्मा बहुत दयावान है। जब आप लगातार वचन सुनते रहते हैं, आपको ना उंगलियों पर याद करने की आवश्यकता नहीं है, जब ऐसा होगा तो मैं ये वचन बोलूंगा, जब ऐसा होगा तो ये वचन बोलूंगा, आपको जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा सही समय पर सही वचन जो आपके अंदर बसा हुआ है, उस समय पर जब आप शैतान का सामना करेंगे, आपके अंदर छुपा हुआ सही वचन जो उस समय शैतान को सुनाने के लिए काफी है, आपके अंदर से पवित्र आत्मा निकाल देगा। हालेलुया। पर कहां से निकालेगा? मैंने कहा, कहां से निकालेगा पवित्र आत्मा? हमारे अंदर से। अंदर से निकालने से पहले यह जरूरी है, पहले हमारे अंदर जाना चाहिए, तभी तो निकलेगा। इसलिए कितने आप वचनों में हैं, यह बहुत बहुत जरूरी है। मैंने आपसे बताया कि आई थिंक चाइना की एक बात है, वहां पे एक अमेरिका के पास्टर गए और पता चला कि वहां पर, पता, चाइना के लोग बाइबल कैसे उस जमाने में कैसे पढ़ते थे। कोई अगर उनको मिलने के लिए आ रहा है तो उनके लिए खाने की कोई चीज ले आया तो बाइबल का पन्ना फाड़ के, क्योंकि वहां पर मना है, खुलेआम नहीं कर सकते थे, तो कोई खाने की चीज है, कोई ब्रेड या कुछ अपने घर के लोग आए उनको मिलने के लिए जेल में, तो बाइबल के पन्ने में लपेट के उनको दिया। अब उतना तो चलेगा ना, मतलब। तो उस पास्टर ने पूछा कि आप यहां से बाइबल पढ़ते हैं? और वो व्यक्ति, वो जो लेडी थी जिसके साथ उस पास्टर की मुलाकात हुई, उसको पता चला कि उसके पास बाइबल का एक ही पन्ना है, वो हर रोज वही पन्ने को पढ़ती क्योंकि खुदा का वचन है। उस पास्टर ने बाहर अपने घर में जाके यही बोला कि देखो कितना हम इन लोगों से सीख सकते हैं। जेल के अंदर, जहां पर बाइबल पढ़ने की, वैसे भी बाइबल पढ़ने की मनाही थी, लेकिन बाइबल में कितने तरस, मतलब कितने भूख और प्यास के साथ लोग बाइबल से प्रेम करते हैं कि पूरी पूरी बाइबल तो रख नहीं सकते, चलो एक ही पन्ना काफी है, खुदा का वचन है, मेरे लिए उतना ही काफी है। और हमारे घरों में बाइबल सजी भी रहती है। कुछ लोग तो इस चीज का घमंड करते हैं कि हमारे घर में कितनी बाइबलें हैं। कुछ लोग अपने घर में जहां सोफा लगा होता है वहां पे बाइबल की लिस्ट लगी होती है, सॉरी, बाइबल की पूरी शेल्फ बनी होती है। 25-25 बाइबलें हैं लोगों के घरों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल बताती है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में समा के रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर वचन आपके जीवन में काम आएगा, वही वचन आपके जीवन में काम आएगा जो वचन आपने अपने अंदर डाल के रखा हुआ है। इसलिए वचन में मजबूत होने के द्वारा हम शैतान को आज्ञा दे सकते हैं, निकल यहां से। हालेलुया। और चौथा, हम पाप के विरुद्ध खड़े होकर के हम शैतान के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। मतलब अपने जीवन में शैतान का सामना हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने जीवन में पाप का सामना करते हैं, जब हम पाप का विरोध करते हैं, शैतान पाप का प्रयोग करता है हमारे जीवन में आने के द्वारा। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको और समझाऊं, लेकिन मुझे जो आज का वचन है मुझे उसमें जाना पड़ेगा। ये सब कुछ पिछले हफ्ते हमने बताया था। और आखिरी चीज़ है ओवरकमिंग द डेविल, शैतान पर विजय पाना, काबू पाना, शैतान पर जीत हासिल करना अपने जीवन में। इसके बारे में मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा। तो तीन चीज़ें हमने देखी हैं, गार्डिंग अगेंस्ट द डेविल, शैतान के विरुद्ध चौकस रहना, रेजिस्टिंग द डेविल, शैतान के विरोध करते हुए शैतान का सामना करना, और तीसरा, शैतान पर विजय पाना। आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, दो चीजें जिन पर हमें विश्वास करना है और दो काम जो हमें करने हैं। पहली बात जिस पर आपको विश्वास करना है वो ये है, बिलीव दैट जीसस हैज ऑलरेडी डिफीटेड द डेविल। हालेलुया। ये चीज बहुत बहुत हमारे अंदर आनंद और विश्वास और भरोसा उत्पन्न करना है, हमारे अंदर शक्ति आनी चाहिए ये सच्चाई को जान करके। क्या है वो सच्चाई? विश्वास करें कि यीशु मसीह शैतान को हरा चुका है। हालेलुया। पता, यीशु मसीह ने जो जिस जीत की हम बात कर रहे हैं ना, हमें बहुत खोद खोद के जीत हासिल नहीं करनी है। यीशु मसीह हमारे लिए वो जो जीत शैतान के ऊपर जो हम पाना चाहते हैं ना, कलवरी पहाड़ पर यीशु मसीह हमारे लिए उस जीत को ले चुका है। हालेलुया। हमें केवल विश्वास के माध्यम से, आज्ञाकारिता के माध्यम से, वचन में मजबूत होने के माध्यम से, हमें वचनों में मजबूत होने के माध्यम से, हमें शैतान का डट के सामना करने के माध्यम से हम शैतान को अपने जीवन में हरा सकते हैं। इसलिए आपको पहले विश्वास करना है यीशु मसीह शैतान को हरा चुका है। इस वचन को देखें, पहला यूहन्ना 3:8 सामने देखें, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य को
नष्ट करे। हालेलुया। पर ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके बुखार को और आपके डेंगू को और आपकी गरीबी को दूर करने के लिए दुनिया में नहीं आया, क्योंकि वो तो वो क्रूस पर अपने अपने स्वर्ग में बैठकर वहीं से कर सकता है। लेकिन शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा और क्रूस पर अपनी जान को देना पड़ा। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कैसा परमेश्वर है जो ये कैसा प्रभु है जो मर गया, ये कैसा प्रभु है जो क्रूस पे लटक रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता शैतान को नष्ट कर शैतान के काम को नष्ट करने के लिए, शैतान के श्रापों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के पुत्र को इस धरती पे आना अनिवार्य था। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन करके क्रूस पर पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा ले। हालेलुया। एंड दिस इज द ये वो स्पष्ट कारण है परमेश्वर का पुत्र इस धरती पे आया। सामने लिखा है वचन में, क्या लिखा सब मिलके पढ़ें, परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य को नष्ट करे। अब सारे मिलके पढ़ो, हमने क्या सीखा था पढ़ें, विश्वास करें कि यीशु मसीह शैतान को हरा चुके हैं। अरे यीशु का इस दुनिया में आने का कारण ही यही था, शैतान को हराना। हालेलुया। क्योंकि जब तक यीशु मसीह इस धरती पे नहीं आए थे, मानव जाति अपने पापों में डूबी हुई थी, पापों में तैर रही थी, पापों में नष्ट हो रही थी, और मानव जाति अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन 2018 साल पहले परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया, ताकि वो एक बार सारे संसार के पापों को लेकर के अपना बलिदान दे सके। हालेलुया। और 3 दिन के बाद मुर्दों में से दोबारा जीवित हो सके और उस जीत को हासिल कर सके, उस पापों की क्षमा को हासिल कर सके, जो विश्वास करने वालों को मुफ्त में दिया जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह आया, इसीलिए हम डट के उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए हम अपने खुशी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम गा सकते हैं, शैतान का सामना करो भागा वो भागेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। एक और वचन को देखें, जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मृतक थे, हम लोगों की बात कर रहा है, जब तुम अपने पापों में मरे हुए थे, ये संसार के सब लोग, आप और मैं मिल करके, हम जब प्रभु में नहीं थे, लेकिन पूरी मानव जाति क्या है, अपने पापों में मरी हुई है। और हमारी बात विश्वासियों की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मृतक थे, तब, जब हम क्या थे, मेरे पीछे बोलो, जब हम क्या थे, मरे हुए थे, अपने पापों में मरे हुए थे, लिखा है तब उसने मसीह के साथ तुम्हें जीवित किया। अब आपको समझ में आ रहा है, मैं प्रभु से प्रचार करते करते प्रार्थना कर रहा हूं कि आप में से बहुतों को समझ आ जाए प्रभु का प्यार क्या है। क्या कोई मरा हुआ आदमी अपने के लिए कुछ कर सकता है, बताइए, क्या कोई मरा हुआ आदमी अपने लिए कुछ कर सकता है? मान लीजिए एक मरा हुआ आदमी, उसके गले में सोने की चेन है, कोई आदमी है उसके गले में सोने की चेन है और वो मर गया और उसको लिटा दिया घर के कमरे में और सब रो रहे हैं, बीच में उठ के बोलेगा कि एक काम करो यार, मेरी चेन निकाल के मेरी पत्नी को दे दो वरना कोई ले लेगा, क्या वो करेगा? मान लो सर्दियों में किसी की मौत हुई है, किसमें, सर्दियों में, और ना वो चादर क्या है ना, वो पैरों के सफेद चादर पैरों पे नहीं है, वो बोलेगा कि यार ठंड लग रही है थोड़ा कवर कर दो, बोलेगा क्या वो? अच्छा बोलेगा, हम क्या करते हैं मरे हुए आदमी पर बहुत सारा सेंट फेंकते हैं, वो बोलेगा उठ के ये वाला मुझे पसंद नहीं है दूसरा वाला लगाओ, बोलेगा? या बोलेगा कि मुझे ना कब्रिस्तान में सबसे अच्छी वाली कब्र देना, मुझे उठ के बोलेगा बीच में एक्सक्यूज मी बोल के फिर दोबारा मरे? मतलब मरा हुआ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। आप और मैं अपने पापों में मरे हुए थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें जीवित किया। कहने का मतलब, हम जब मसीह में नहीं थे, कितने लोग यहां मसीह में हैं, हम जब मसीह में थे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम मसीह में नहीं थे तब हमने प्रभु को पुकारा नहीं था प्रभु हमें जिंदा कर दे, प्रभु ने हमारी आंखों को खोला, उसने हमें जिंदा किया, प्रभु ने चाहा, हमने नहीं चाहा, हम जब मरे हुए थे हमने नहीं चाहा कि प्रभु हमारे भी पाप क्षमा हो जाएं, हम भी चर्च में जाएं, हम कभी ऐसा नहीं सोचते थे, कोई था जो सोचता था? हम मरे हुए थे, मरा आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार
परमेश्वर ने जब हम अपने अपने पापों में मरे हुए थे तब उसने हमें चुन लिया। प्रभु को अच्छा लगा कि उसने मुझे चुन लिया, उसने उषा को चुन लिया, उसने नवनीत को चुन लिया, उसने सेल्वी को चुन लिया, उसने आपको चुन लिया। ये परमेश्वर को भाया, उसको अच्छा लगा। पूरी दुनिया मरी हुई है पाप में, प्रभु ने कुछ लोगों को चुन लिया है अपनी महिमा के लिए। ये उसका अनुग्रह है। इसीलिए प्रभु ने यूहन्ना 15:16 में कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। अब आगे पढ़े, उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह अभिलेख जो तुम्हारे नाम पर हमारे विरुद्ध लिखा हुआ था, मतलब हमारे कर्म हमारे खिलाफ गवाही दे रहे थे, हमारे पापों की किताब भरी हुई थी। सबको समझ में आ रहा है? विधियों का वो लेख जो हमारे विरुद्ध लिखा हुआ था, हमने अपने कर्मों से, हमने अपने पापों से, अपने हाथों से हमने अपना नरक जाने का नामा साइन किया हुआ था, जो तुम्हारे विरुद्ध में था, विधियों का वह लेख जो तुम्हारे नाम पर हमारे विरुद्ध था मिटा डाला। हालेलुया। हम पाप करते जा रहे हैं और हम एक एक दिन जब पाप करते जा रहे हैं, अपने अपने अपराधों की किताब को भरते जा रहे हैं, लिख लिख के साइन कर रहे हैं। हमने गलत काम किया, अंगूठा लगा दिया, हाँ मैंने किया, किया तो किया। झूठ बोला, साइन कर दिया, हाँ मैंने किया। मतलब हम अपनी पापों के हिसाब किताब की किताब को हमने खुद भरा है। हम सबूत रखते जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर देखता है। और हमारे अपने कर्म और हमारे अपने पापों की किताब हमने जो भर रखी है वो काफी है, जो हमारे खिलाफ खुद सबूत देती है। और क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने उसको क्या किया? मिटा डाला। परमेश्वर ने मिटा, तुमने प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने चुन लिया, उसने मिटा डाला कि मैं जॉय के पापों को मिटा दूंगा। इसलिए आप लोगों का चर्च आना बहुत बड़ी बात है, आप लोगों का बपतिस्मा लेना और चर्च का सदस्य बन जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, उसको मिटा डाला। और सुनो, पढ़ो सारे, क्या है? और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। हालेलुया। जब उसने प्रधानों, ये कौन से प्रधान है? शैतान की शक्तियां। प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। उसने ये सब कुछ कर दिया, जब उसने प्रधानों मतलब शैतान की शक्तियों, आसमानी और शैतान के अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, मतलब उनको नंगा कर दिया, शैतान की शक्तियों को नंगा कर दिया, क्योंकि वो हमारे खिलाफ काम कर रही थी, वो हमें पापों में धकेल रही थी, वो हमें नरक में लेके जाना चाहती थी, वो हमारे पापों की किताब को भरते जा रही थी। परमेश्वर आया, उसने हमें अलग कर दिया। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, शैतान तू इन लोगों को कुछ नहीं कर सकता, इनको मैं स्वर्ग में लेके जा रहा हूं। उसने निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके। ये विजय कहां से आई? क्रूस पर मरने के द्वारा। तो विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। दिस इज, ये है परमेश्वर का सुसमाचार, ये है परमेश्वर का हमारे लिए प्यार, ये है परमेश्वर की अपने लोगों के लिए योजना। तभी हम कह सकते हैं, क्या पढ़ो, क्या विश्वास करें कि यीशु मसीह शैतान को हरा चुके हैं। शैतान को हराने का मतलब हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। यीशु ने शैतान को हराया मतलब हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमारे पापों की किताब मिट चुकी है, हमारे पापों का जो सबूत था, जो लेखा जोखा था, यीशु ने अपने लहू से धो दिया। हालेलुया। और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया। जीवन की पुस्तक, वो हम जो गीत गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। ये कौन सी किताबें खुलेंगी? जो इंसान अपने पापों की किताब पाप कर करके भरते जा रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम आनंद मनाओ कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। जिसको खोलने का अधिकार परमेश्वर के मेमने को मिला हुआ है। कौन है वो मेमना? यीशु मसीह है। मेमना उस किताब को खोलेगा, उसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। दैट्स वाई आपका विश्वास बहुत वैल्यूएबल चीज है। हल्की फुल्की चीज मत लिया करो। चर्च आना, संगति रखना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना,
प्रभु की आराधना करना, मसीही कहलाना, मसीह के बारे में दूसरों को बताना, इन बातों को हल्के फुल्के में मत लिया करो, क्योंकि प्रभु ने अपनी जान दी है, प्रभु ने क्रूस पे मरने के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए हैं। कितनों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो हमें विश्वास करना है, यीशु मसीह शैतान को हरा चुका है। दूसरा, अब यहां पर अगला कदम है, यीशु ने शैतान को हरा दिया, जीत हासिल कर ली, और वो चाहता है, विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है। इट्स लाइक प्रभु ने विजय हासिल कर ली और वो कहता है अब तुम ले लो इस विजय को, इस विक्ट्री को, तुम इस जीत को तुम ले लो, और तुम अपने जीवन में वो जीत जो मैंने क्रूस पे हासिल की है तुम ले लो और तुम अपना जीवन एंजॉय करो। हालेलुया। एंजॉय करो का मतलब मौज मस्ती करो नहीं, एंजॉय करने का मतलब शैतान को अपने जीवन में हराओ, शैतान को अपने जीवन में कुचलो, शैतान को अपने जीवन पे काबू ना पाने दो, शैतान को तुम्हारे मन का राजा मत बनाओ, शैतान तुम्हारे ख्यालों को ना भरे। वो तुम्हारा सामना करता है क्योंकि तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरे बेटा और बेटी हो, तुम उस विजय का प्रयोग करो जो विजय मैंने क्रूस पे हासिल की है, और शैतान के मुंह पर उसको दिखाओ और वो तुमसे भाग जाएगा। हमें शैतान को बताना है कि उसकी औकात क्या है, हमें शैतान को बताना है कि सुन तू हरा हुआ है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए हमको विश्वास करना है परमेश्वर ने हमें विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा अपने विजय उत्सव में एक जश्न मनाया जा रहा है, एक बड़ा विजय का उत्सव मनाया जा रहा है। लिखा है कि उसका धन्यवाद हो कि मसीह के द्वारा अपने विजय उत्सव में हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। अगुवाई करने का मतलब क्या है? देखो उस जमाने में क्या होता था, जब कोई बहुत बड़ा युद्ध होता था तो वो लोग जब मान लो एक देश के लोग दूसरे देश में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और अगर वो लोग जीत गए हैं, ओके, क्या सब सुन रहे हैं? अगर एक देश के लोग दूसरे देश में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और अगर जीत गए तो पता क्या करते थे, जितना भी चीजों को लूटा मतलब और जितने लोगों को मार दिया और कईयों को बंदी बना के ले आते थे, तो अपने देश में आने के बाद एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता था और पीछे कौन होता था, वो लोग जिनको हराया होता था। एक जीत का जश्न निकाला जाता था, एक बहुत बड़ा प्रोसेशन या बहुत बड़ा जुलूस निकलता था, विजय उत्सव, नगाड़े ढोल नगाड़े बजाते हुए, उसमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। मतलब जो जीत का जश्न है, शैतान को हराने वाला जो जश्न है, उसमें परमेश्वर ने हमें भागीदार बनाया है। हालेलुया। हम जीत के आ रहे हैं, परमेश्वर उस जीत का आनंद और स्वाद हमें भी देता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा अपने विजय उत्सव में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधु सुगंध फैलाता है। हालेलुया। रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया हम अदम्य विजय प्राप्त करते हैं। इन सारी बातों में, कहने का मतलब जो मैं आपको दिखाता हूं, सारे बाइबल खोलिए, रोमियो 8:37 खोल सकते हैं, रोमियो 8:37। वो कहते हैं परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया अदम्य विजय प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी चीज में? क्योंकि मुझे पूरा निश्चय है, आपको पूरा निश्चय है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल बताती है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा निश्चय है कि न जीवन न मृत्यु, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं, न वर्तमान न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई न गहराई, और न कोई भी सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया। मतलब जीवन और मृत्यु में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती है। कोई भी प्रकार की शक्ति हो, कोई भी प्रकार का जादू हमारे खिलाफ किसी ने किया हो, चाहे कोई भी कुछ भी हमारे खिलाफ किसी ने किया हो, अगर हम मसीह में हैं, कोई भी चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। लिखा, इन सब बातों में हम जयवंत से बढ़कर हैं, विजयी से बढ़कर हैं। हम कॉन्करर्स हैं, हम जीत के आए हैं। कौन है हमारा राजा जिसने हमको जिताया है? यीशु मसीह है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सो पहली बात जो हमने सीखी है वो क्या है बताओ? मैंने आपसे कहा था दो चीजें विश्वास करनी है। पहली चीज पे क्या विश्वास करना है? विश्वास करें कि यीशु मसीह शैतान को
हरा चुका है, हालेलुया। इसलिए कभी अगर आपके परिवार के किसी सदस्य में दुष्ट आत्मा आ गई और किसी का फोन नहीं लग रहा है, तो आप क्या बोल, दुष्ट आत्मा तू चल ठीक है, जब तक फोन नहीं लगता तब तक तूने जो करना है, ऐसे बोलेंगे आप? मान लो वेरोनिका, निकिता, उषा, पास्टर जॉय, किसी का नंबर नहीं लग रहा, तो क्या करोगे? नहीं तो फोन तो नहीं लग रहा ना, निकिता दीदी का फोन नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे? हम खुद बोलेंगे शैतान इसके जीवन से निकल के बाहर चला जा, हालेलुया। हमें विश्वास करना है यीशु मसीह शैतान को हरा चुके हैं। दूसरी बात जिस पर विश्वास करना है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर का विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें भी विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है। वो जीत जो प्रभु हासिल कर चुका है, अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे तो क्या फायदा? तीसरी बात, और ये वो दो जो दो काम है हमने करने, मैंने आपसे क्या कहा था, दो दो चीजों पर विश्वास करना है और दो हैं जो ऐसे काम करने हैं। अभी जो काम करना है वो कौन सा है? अपने दिल, अपने मन और अपने विश्वास की रक्षा करें। चार पांच दिन पहले क्या, कभी कभी होता है वैसे, लेकिन चार पांच दिन पहले क्या हुआ था, यू नो, अगर किसी की अंगूठी में, अगर उंगली में अगर अंगूठी फंस जाए तो आमतौर पे कैसे निकालते हैं उसको? हाँ जी बोलो, जोर से बोलो। ओके, अगर हम साबुन लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो ये मेरी शादी की अंगूठी है, ठीक है? तो कुछ दिनों से शायद, पता नहीं, वैसे तो लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ, लेकिन शायद थोड़ा सा पतला, मुझे नहीं मालूम। मैं जब नहा रहा था कुछ दिन पहले, तो बड़े आराम से ये क्या है, निकल रहा था, आराम मतलब नहाते नहाते बाहर निकल के आ रहा था। बहुत टेंशन मुझे कि अगर, क्योंकि वो जो जहां से पानी जाता है अगर उसमें फंस गई, चली गई, तो क्या हो जाएगा? मतलब कितनी रक्षा करते हैं हम अपनी चीजों की, संसारिक चीजें। प्रभु ने वचन में लिखा हुआ है, उस दिन, जेफनाया की किताब में लिखा है, उस दिन उनका सोना और चांदी उनके काम नहीं आएगा। किस दिन? न्याय के दिन में। लेकिन उसकी कितनी चिंता हो रही है। जो हमें करना चाहिए वो ये है, अपने दिल, अपने मन और अपने विश्वास की रक्षा करें। आजकल एक ऐसे भाई के साथ के बारे में हमको पता चल रहा है जो अपने जीवन में बहुत गलत कर रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से हम उस भाई के लिए रोज दुआ कर रहे हैं, 3 हफ्तों से। वो भाई जो मसीह में बहुत आगे, मसीह में बहुत बहुत बड़े स्तर पर, मैं मानता हूँ बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभु इस भाई को इस्तेमाल, भाई कोई पास्टर वास्टर तो नहीं है, नौकरी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परमेश्वर के लिए जुनून रखने वाले, उस भाई के बारे में हमको पता चला। और मैं आज भी दोपहर उनके घर में था, 4-5 घंटे उनके घर में थे, और मेरे मन में यही आ रहा था, प्रभु किस तरह लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं, किस तरह लोग जो परमेश्वर के राज्य में कितने यूजफुल और कितने फ्रूटफुल हो सकते हैं, अपनी ढीठ, अपना ढीठपन और अपनी संसारिक बुद्धि और अपनी ढीठपन, अपनी जिद के पीछे और अपने कमजोरियों पे इतना झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत मेरा मन दुखी हो रहा था, प्रभु कैसे लोग अपना जीवन खराब कर सकते हैं। और हम दूसरों की बात कर रहे हैं ना, अभी ये सेम चीज हमारे साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, पास्टर जॉय के साथ भी हो सकती है, अगर हम सावधान नहीं रहे तो। हर रोज सुबह उठ के नहाना कितना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि अपने को फ्रेश लगता है, नहीं बिना ब्रश किए कुछ लोग अपने रसोई में नहीं घुसते हैं। हमारे लिए अपने आप को ताजा करना कितना इंपॉर्टेंट है, शारीरिक सांसारिक फ्रेशनेस के लिए हम बड़े वो होते हैं। कुछ लोग तो साल में एक बार, मैं मानता हूं करना भी चाहिए, लेकिन साल में एक बार छुट्टियां मनाने जाते हैं क्योंकि उनको रिफ्रेश होना है। लेकिन आत्मा को रिफ्रेश हुए 6 साल हो गए, बहुत जल्दी मरने वाली है आत्मा को। आत्मा में ताजा होने के लिए कोई परवाह नहीं करता है, संसारिक बातों की बहुत चिंता करते हैं। अगर 1 महीने कमेटी का पैसा नहीं गया तो 15 दिन नींद नहीं आती है। अगर कोई हमारा 2000 रुपए लेके भाग गया तो हमारी रातों की नींद गायब हो जाती है। संसारिक चीजों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए कितनी चिंता करने वाले लोग हैं हम।
लेकिन जिस चीज की हमें रक्षा करनी है वो है हमारा मन, हमारा विश्वास और हमारा दिल। अब दिल के बारे में क्यों? बाइबल कहती है कि मन तो सब बातों में चंचल है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसको कौन समझ सकता है। यह हमारा मन है जिसमें शैतान सबसे पहले अटैक करता है। हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं? शैतान ने यहूदा के मन में विचार डाला, ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? शैतान ने यहूदा के मन में विचार डाला। कहानी शुरू कहां से होती है? हमारी बर्बादी एक विचार से शुरू होती है, एक झूठ से शुरू होती है, जो शैतान हमारे कहां पे डालता है? मन में डालता है। 15 वचन के बाद लिखा हुआ है शैतान पूरी तरह उसमें समा गया। शुरू कैसे हुआ था? शुरू कैसे हुआ था? इट वॉज अ थॉट प्लांटेड इन द माइंड ऑफ जूडस। एक विचार ही था जो उसके मन में डाला था। कुछ एक घंटों के अंदर क्या हो गया? पूरी तरह से समा गया। हम कहीं पे बात कर रहे थे और किसी ने बात बड़ी सही बोली और मेरे मन में वो बात हमेशा रहती है। मैं उस बात से बहुत सावधानी लेता हूं अपने जीवन के लिए। लिखा था कि इंसान की गिरावट धीरे धीरे होती है। इंसान का जो गिरना होता है कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। और धीरे धीरे गिरते गिरते एक पॉइंट ऐसा आता है बिल्कुल गिर जाता है। बिल्कुल इस धरती के समान घूम रही धरती, आपको फील हो रहा है? हमारा मेरे को तो अपना चर्च हमेशा ऐसे ही दिखता है, कभी ऐसे तो नहीं दिखता, पर धरती घूम रही है हम ये बात जानते हैं, हमें पता नहीं चलता। वो हमारी गिरावट ऐसे ही होती है, हम जब सावधान नहीं रहते हैं ऐसे ही हम गिर जाते हैं। प्रभु से दूर लोग कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं प्रभु से दूर लोग, जिन्होंने ध्यान नहीं रखा। दे वॉन्ट केयरफुल अबाउट व्हाट अबाउट देयर सेल्वेशन। इसलिए अपनी मन की और अपने आप बोलेंगे कि पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, वचन तो बताओ, आपने पॉइंट तो बता दिया, वचन बताओ कहां लिखा है, सामने देखें बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हे भाइयों सावधान रहो। मैंने क्या लिखा है? वचन हमें क्या रहने के लिए कहा है? सावधान रहो। किस बात की सावधानी? सब मिलके पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए। सुनो, किसका मन अविश्वासी हो जाएगा? जिसका मन पहले विश्वासी था। तुम्हारा विश्वासी मन कहीं ऐसा ना हो अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। जीवित परमेश्वर से दूर होने का मतलब आप पहले जब विश्वास में थे जीवित प्रभु से दूर नहीं थे, लेकिन अब अपने अविश्वास के द्वारा प्रभु से दूर हो गए हैं। इस चीज के लिए सावधान। शिक्षा क्या है? पढ़ो सारे। शिक्षा क्या है? अपने दिल, मन और विश्वास की रक्षा करो, क्योंकि हे मेरे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। इसलिए ध्यान रहो, साथ साथ चलो प्रभु के, साथ साथ रहो कलीसिया के, साथ साथ रहो संगति के। अगर आप अकेले चलोगे जरूर सूख जाओगे, जरूर नष्ट हो जाओगे। प्रभु ने हमें संगति में रहने के लिए कहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेरे घर में है कलीसिया। नहीं भाई, तेरे घर में कलीसिया नहीं है, तू कलीसिया का अंग है और तुझे कलीसिया में आके जुड़ना है। हालेलुया। 7 साल पहले जब 2007 में मैं गुड़गांव आया, 2007 में यही महीना था अक्टूबर नवंबर जब मैं विश्वास में आया, और 2008 के शुरुआत में एक ऐसा आदमी जो यूपी का था, जो बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है, वो भाई विश्वास में आया। एक मॉल में हमने उसको प्रभु के बारे में, कहाँ पे? एक मॉल में प्रभु के बारे में उसको बताया था। वो चर्च आना शुरू हो गया, वो उसने बपतिस्मा भी ले लिया। 2 साल के अंदर अंदर, जैसे नहीं होता कोई चीज़ गायब हो जाती है, कुछ एक महीनों के अंतराल में बिल्कुल वो आँखों से ओझल हो गया, बस यादों में है। आज मुझे पता नहीं वो भाई कहाँ है, लेकिन उस भाई का कथन यही था। पता उसका कथन क्या था? मैं मसीह में हूँ लेकिन मैं चर्च नहीं आऊँगा, और वो मसीह में भी नहीं है अब। हाँ, किसी और को वो लेके आया मसीह में, वो आज भी मसीह में है। हालेलुया।
शायद पता नहीं प्रभु इस तरह काम करता है, किसी को इस्तेमाल करना होता है, खुदा जानता है, लेकिन जो प्रभु ने आपको दिया है ना, इसकी इज्जत करो। प्रभु ने जो आपको मुफ्त में, आप क्या हम देखा, हमने मरे हुए थे, प्रभु ने जीवित किया, इसकी कदर करो। इसलिए मैं ये कहता हूं, प्रभु जितने लोग सत्संग में आते हैं सब रहें हमारे साथ, सब रहें विश्वास में। हम लोगों को ऐसे खोना नहीं चाहते जो अपने ढीठपने, अपने पाप और अपने झूठ और धोखे में फंस करके, शैतान का धोखा जो मन में डालता है। अगर कितने लोगों से धोखा हुआ है, धोखा मतलब पैसों का धोखा, कितने लोगों से पैसों का धोखा हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ है, लाखों रुपए का हुआ है। कितने लोगों से हुआ है धोखा, पैसों का धोखा? हाथ उठाओ अच्छे से और मुझे बता देना कितना कितना मैं दे दूंगा तुमको, ठीक है? जब आपके साथ धोखा हो रहा था, क्या आपको पता था कि आपके साथ धोखा हो रहा है? बताइए मुझे, कितने लोगों ने हाथ उठाया था? जब आपके साथ धोखा हुआ, क्या आपको पता था कि धोखा हो रहा है? तभी तो वो धोखा है। धोखा क्या है? हमारे साथ कुछ हो रहा है और हमको खबर भी नहीं है। अब समझ में आया कि हमें क्या करना है, सावधान क्यों रहना है? पढ़ो, अपने दिल मन और विश्वास की रक्षा करो। देखो, अगर आप रक्षा करोगे, प्रभु बहुत दयावान है, अंत तक तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप ढीले हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप 6 महीने में एक बार चर्च आते हो, आप 8 महीने में एक बार प्रार्थना करते हो, जिम्मेदारी उठाओ अपने जीवन की, जिम्मेदारी उठाओ अपनी आत्मा की, जिम्मेदारी उठाओ अपने आत्मिक जीवन की। परमेश्वर गधे और घोड़ों को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? अपने जीवन को, अपनी बुलाहट को, अपने वरदानों को हल्के में मत लो। आप में से एक एक जन परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के राज्य में बड़ी बड़ी दुनिया के लेवल की सेवा कर सकता है। पर अगर आप, अगर 10 साल के बाद भी आपके पास्टर को आपको हाथ पकड़ पकड़ के बोलना पड़ रहा है, अरे अर्जुन चर्च क्यों नहीं आए, फिर नहीं आया, फिर अगले संडे क्यों नहीं आए भैया, ये हो गया था, मतलब 10 साल तक मैं अर्जुन के साथ चर्च का पास्टर यही करता रहेगा? बोलो, ठीक है। जब तुम मरे हुए थे तो प्रभु ने जिंदा कर दिया, जब प्रभु ने जिंदा कर दिया, तुम नए नए विश्वासी थे, तुम 1 साल तक, 2 साल तक चर्च ने तुम्हारा ध्यान रखा, आज तुम अभी भी, मतलब जैसे पौलुस कहता है ना अपनी कलीसिया को, क्या कहता है कि तुम अभी भी दूध पीने के समान हो, तुम अभी भी दूध पीने वाले बच्चे हो, मैं तुम्हें मीट कहां से खिलाऊं? क्या आपका बच्चा जन्म होते, किसी, हमारे बच्चे जब जन्म होते हैं क्या मीट पहले दिन खाते हैं? विश्वास में भी पौलुस कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 सालों के बाद भी दूध ही पी रहे हैं, क्योंकि 15 सालों के बाद या 10 सालों के बाद विश्वास में आने के बाद भी पास्टर को बहुत उनके साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है। ग्रो कब करेंगे, कब बढ़ेंगे, आगे कब बढ़ेंगे? इस अपने दिल और अपने मन और अपने विश्वास की, यहां तो रक्षा की बात करिए, हम तो उन्नति की बात कर रहे हैं। आप उन्नति कैसे करोगे अगर आप रक्षा ही नहीं करते हो? तो हे मेरे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। अगला वचन इब्रानियों 3:19 में लिखा जाता है, हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वो प्रवेश ना करने पाए। कौन लोग? इजरायली लोग, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से निकाला, बड़े बड़े चमत्कार उनके लिए किए, प्रभु ने इतने बड़े बड़े जो मिस्र के जो महामारियां थी, 10 महामारियां उन्होंने देखी हैं, लाल सागर खुलता हुआ देखा है, लाल सागर में से निकल के उस पार चले गए उन्होंने देखा है, भूख लगी तो प्रभु ने स्वर्ग से रोटियां फेंकी हैं, प्यास लगी तो पत्थरों से प्रभु ने पानी निकाला है। लेकिन वही है ना, कुछ लोग नहीं सुधरते हैं। और लिखा है कि इतने चमत्कार देखने के बावजूद परमेश्वर की छड़ी जो मूसा के हाथ में थी, उसने, उसके द्वारा, एक छड़ी के द्वारा कितने कितने चमत्कार प्रभु ने किए, लेकिन अपने अविश्वास के कारण वो जो जहां पे जाना था उनको, इज़राइल देश में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए अपनी दौड़ को पूरा करना है,
मैं चाहता हूं कि अगर मैं जितने लोगों का सत्संग में फ्यूनरल मतलब आपकी जो अंतिम संस्कार है, जितने लोगों का भी अंतिम संस्कार मुझे करने को मिले, उनके बारे में, उनके सम्मान में, उनकी लाश के पास खड़े होकर के मैं यही बोल पाऊं, इस भाई को हमने विश्वास में आते देखा और विश्वास में ये भाई रहा, अपनी दौड़ को पूरा किया और विश्वास करते करते प्रभु के पास चला गया है। कहीं किसी का इस प्रकार अंतिम संस्कार ना करना पड़े मुझे, जो मुझे मालूम है कि ये भाई तो विश्वास से भटक गया था। इसलिए या फिर आप में, जब आप, जब मैं मर जाऊंगा, आप लोग जब मेरा संस्कार करोगे, आप लोग ये बोल पाओ कि जॉय भैया विश्वास में आए और अंत तक विश्वास में बने रहे और प्रभु के पास चले गए। जैसे पौलुस ने कहा, जब वो बूढ़ा हो गया, उसको पता है वो मरने वाला है, तो क्या कहा पौलुस ने, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की दौड़ पूरी कर ली है। आपको अपने विश्वास की दौड़ पूरी करनी है, पर आप तब कर पाएंगे जब आप सबसे पहले यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करेंगे, और जब आप खुद जीवन भर लड़ते रहेंगे शैतान के साथ, झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, और जब आप अपने दिल, जीवन भर अपने मन, अपने विश्वास की आप रक्षा करेंगे। चर्च आना हमेशा आपकी फीलिंग्स पर आधारित नहीं होता, आज मेरा मन कर रहा है चलो चर्च चलते हैं। मन तुम्हारा राजा है, परमेश्वर तुम्हारा राजा है, इसलिए तुम मन को अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को मोड़ोगे, ना कि मन तुमको मोड़ेगा। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि दाऊद अपने मन से बात करता है, हे मेरे मन, मन नहीं कहता हे मेरे दाऊद, ऐसा है क्या? दाऊद ने बोला, क्या बोला, हे मेरे मन, मतलब मन हमको चलाएगा या हम मन को चलाएंगे, बोलो। हे प्रभु मेरे लोगों को बोलने की हिम्मत दे, कौन चलाएगा, बोलो, हम मन को चलाएंगे, हालेलुया। इसलिए मन के आधार पे, भावनाओं के आधार पे, फीलिंग्स के आधार पे काम मत करो, तुम अपने मन को बोलो। कितनी बारी मैं आपको सिखा चुका हूं कि आपको विपरीत आत्मा वाला काम करना है, विपरीत आत्मा का काम, मतलब अगर मन कर रहा है बाइबल नहीं पढ़ रही, नहीं पढ़नी, तो क्या करोगे, बाइबल पढ़नी है। अगर मन कर रहा है प्रार्थना नहीं करनी, तो तुम कब विजय जीवन जी पाओगे, जब तुम प्रार्थना करोगे। मन कर रहा है कि आज चर्च नहीं जाएंगे, ठंड बहुत हो गई है, तो क्या करना चाहिए, यह है अपने मन को चलाना, ना कि तुम्हारा मन तुमको चलाएगा। अपने मन, अपने विश्वास और अपने दिल की रक्षा करो। और खत्म करते हैं, पाप के धोखे से बचो, क्योंकि पाप के धोखे से तुम्हारा मन कठोर होता है। देखो मन कठोर कैसे होता है, तुम्हारा मन तुमने लिया और छत पे रख दिया, सूख सूख के कठोर हो गया, ऐसा ही होता है क्या मन कठोर, बताइए, क्या मन कठोर ऐसे होता है, मन को निकालो और छत पे, वो साइबर सिटी बिल्डिंग नंबर 10 की छत में रख दो, मन कठोर हो जाएगा। मन कैसे कठोर होता है, जब आप लगातार पाप में पड़े रहते हैं, जब आप लगातार सच्ची बात को नहीं सुनते हैं, शैतान की आवाज को सुनते हैं, पाप के धोखे में फंस जाते हैं, वहां से हमारा मन कठोर होता है। पाप के धोखे से अपने मन को कठोर ना हो। मैं आप लोगों को बोलना, मेरा बोलने का मन कर रहा है आप लोगों को, अगर आप में से कोई है जो लगातार लंबे समय से एक ही पाप को बार बार कर रहा है, हमसे आके बात करो। आप इस चीज को, अगर आप लंबे समय से एक ही पाप बार बार कर रहे हैं, इस चीज को अपनी कमजोरी मत समझो, यह शैतान का धोखा है, क्योंकि उसी के द्वारा शैतान तुम्हें कठोर कर देगा। मैं उन पापों की बात नहीं कर रहा हूं जो पाप हमसे हो जाते हैं। देखो जीवन भर जब तक हम जीवित रहेंगे, हम मसीह में तो हैं, लेकिन कभी कभी हमारी कमजोरियों में हमसे गलतियां हो जाएंगी, और हम तब पश्चाताप करके, आंसुओं से रो के, माफी मांग के फटाफट खड़े हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं उन पापों की बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे जेन्युइन, मतलब सचमुच में हम
आगे बढ़ना चाहते हैं और हमसे गलती हो गई, मैं उन पापों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, और शायद सब लोगों में ऐसा एक एक पाप होगा, शायद मुझे नहीं मालूम, पर मैं आप लोगों से कहना, मेरा मन कर रहा है आप लोगों को बोलने का, अगर आप में से कोई है, अगर कोई भी एक पाप आप लंबे समय से लगातार करते आ रहे हैं तो कठोरता के रास्ते पे हैं, एक दिन कठोर हो जाएंगे। इसलिए हमसे आके बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। वचन में क्या लिखा है, जब तक आज का दिन कहलाता है तो क्या करो, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। कहीं ऐसा ना हो, पढ़ो क्या लिखा है, कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। अब समझ में आया हम कठोर कैसे होते हैं, जब हम पाप के छल में पड़। अब छल क्या है, धोखा। धोखा क्या है, पता ही नहीं चला कि धोखा हो गया। शैतान इसी प्रकार चतुराई के साथ सजा सजा के, बना बना के, चतुराई के साथ आपके मन में बातों को डालता है ताकि आप फंस जाओ। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। मेरा यकीन करो कि मैंने एक भी बात बाइबल से बाहर नहीं बोली है, मैंने पढ़ पढ़ के, समझ समझ के, इंग्लिश में अलग अलग, मेरे लैपटॉप में अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, अनुवाद हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं, मैं कम से कम 3 से 4 वर्जन्स को चेक करता हूं फिर मैं आपको बोलता हूं। यकीन करो मेरा कि ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल, सिर्फ भाषण नहीं दे रहा हूं, परमेश्वर के वचन को सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मन कठोर कैसे होता है, जब आप लगातार पाप के छल में फंस जाते हो, कठोर हो जाते हो। एक बार वचन पढ़ दो शुरू से, सामने क्या लिखा है, पढ़ें सारे। जब तक आज का दिन कहलाता है, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। इसका मतलब अगर हमें पाप के छल से, कठोर होने से बचना है तो हमारे जीवन में क्या आना चाहिए, किसी के द्वारा प्रोत्साहन आना चाहिए। प्लीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पर इब्रानियों का जो लेखक है वो क्या समझा रहा है, तुम एक काम करो चर्च के लोगों, तुम एक काम करो, एक दूसरे को एनकरेज करो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा, अगर तुम एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं बना के रखोगे, अगर तुम चर्च में एक दूसरे को एनकरेज नहीं करोगे, प्रोत्साहन नहीं दोगे, तो तुम में से अगर तुम अकेले रहोगे, संगति में नहीं रहोगे, तो तुम क्या करोगे, पाप के छल में फंस जाओगे और कठोर हो जाओगे। इसका मतलब पाप के छल से बचने का एक तरीका है, पाप के छल से बचने का और कठोर होने से बचने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, संगति। हालेलुया। अगर आप संगति में रहेंगे तो कोई आपको प्रोत्साहन देगा। अगर मैं गलती करूंगा पर यदि मैं संगति में रहूंगा तो कोई ना कोई मुझे प्रोत्साहन देगा। इसलिए संगति में रहो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल स्टडी में जाया करो, चर्च लगातार आया करो, मसीही मित्र बनाओ, मसीही दोस्त बनाओ, जो आपके जीवन में जब आप पाप में कठोर होते हुए नजर आओगे उसको, तो वो आपको कठोर होने से बचा लेगा। अब आप बोलेंगे हमको लोग बचाएंगे, प्रभु हमको बचाएगा, कोई आदमी मुझे कैसे बचा सकता है। मेरी बात को सुनो, परमेश्वर हमारे जीवन में दूसरे लोगों के द्वारा काम करता है, बात भी करता है। कुछ लोग सोचते हैं मेरे को तो सीधा प्रभु से सिग्नल मिलता है, प्रभु मुझसे बात करता है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों के द्वारा बात करता है। जब दाऊद ने बात किया, उस जब दाऊद ने पाप किया, कौन आया, प्रभु आया उसको बोलने के लिए कि तूने पाप किया, तूने बिरशेबा के साथ गलत काम किया है, कौन आया बोलने के लिए, नाथन नबी चल के उसके पास आया। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके पाप के बारे में आपको बता सके कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है। किसी ने कहा कि जो लोगों की सुनना छोड़ देता है वो परमेश्वर की सुनना छोड़ देता है। अगर आप मसीही संगति में अपने अगुओं की बात को सुनना छोड़ देंगे, एक दिन आप प्रभु की बात को सुनना छोड़ देंगे। प्रभु ने शुरू से, बाइबल में हम देखते हैं, शुरू से परमेश्वर ने हमेशा लोगों के द्वारा हमारी, मेरे जीवन में काम कैसे हुआ, प्रभु ने तो मुझे दर्शन तो नहीं दिए, मेरे जीवन में
मुझे मेरे पाप के बारे में किसने बताया? 2007 में मेरे पाप के बारे में किसने बताया? एक व्यक्ति ने आके मुझे बताया. उसके बाद भी आज तक ऐसे 4-5 व्यक्ति मेरी जिंदगी में हैं जो मेरे जीवन से बात करते हैं. इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करो. पढ़ो सारे दोबारा. जब तक आज का दिन कहलाता है. इसका मतलब क्या है? जब अच्छा, इसका मतलब यह है आज हमें पाप में नहीं पड़ना, कल पढ़ सकते हैं. ऐसा है क्या? ने वचन में लिखा है जब तक आज का दिन, कल जो मर्जी करना, आज का ध्यान रखो बस. ये मतलब है? सुनो ध्यान से. इसका मतलब यह है तुम्हारा आज तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है. अगर तुम्हें किसी दिन की कीमत करनी है, अगर तुम्हें किसी दिन की वैल्यू करनी है, कौन से दिन की वैल्यू करो? आज की वैल्यू करो. क्योंकि कल तुम्हारे पास है या नहीं, तुम में से कोई भी हाथ खड़ा करके नहीं कह सकता नहीं कल का दिन है हमारे पास. हम में से कोई नहीं कह सकता. इसलिए इसमें लिखा है जब तक आज का दिन कहलाता है. मतलब सुधरने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, प्रभु के पास वापस आने के लिए यदि हमारे पास कोई दिन है तो वो दिन कौन सा है? आज का दिन है. धन्यवाद प्रभु, ये बात आपने मेरे मन में डाली. वरना कोई सोचता आप में से, अच्छा आज के लिए मना किया कल करेंगे. क्या लिखा सब पढ़ो. जब तक आज का दिन कहलाता है तुम दिन प्रतिदिन, अच्छा ये कल के बारे में लिखा हुआ है. दिन प्रतिदिन मतलब रोज करना है. पढ़ो. हाँ क्या? तुम लाउडर मैन, कम ऑन मैन. अभी अभी खाना खिलाएंगे आपको, थोड़ा जोर से बोलो. ठीक है? हाँ जी बोलो. तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो. कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए. इसलिए अगर बचना है सिर्फ पाप को ही नहीं छोड़ना, क्या और क्या क्या नहीं छोड़ना? संगति नहीं छोड़ना. तभी तो मिलेगा प्रोत्साहन. फ्रैंकली अगर आप मुझसे दोस्ती नहीं करोगे तो, और आप रहते हो 20 किलोमीटर दूर पर, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे साथ दोस्ती करने में, मैं आपके घर में नहीं आऊंगा. आप जाएंगे क्या? कोई व्यक्ति आपको लगातार इग्नोर करता है, आपकी सुनने को, आप जाएंगे क्या? लेकिन जो आपकी मदद लेना चाहता है, क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? प्रभु ने बोला जो रात में खटखटाएगा आप, क्या वो दरवाजा नहीं खोलेंगे? इसलिए आप संगति में रहो. कितने लोगों को समझ में आ गया क्या करना है हमें? संगति में रहना है. आओ चलो खत्म करते हैं. जो पिछले हफ्ते हमने 3 बातें सीखी, पढ़े सारे. क्या थे? पहली बात, शैतान के विरुद्ध चौकस रहना, विरोध करते हुए शैतान का सामना करना, शैतान पर विजय पाना. जो हमने आज बातें सीखी हैं, पहली बात क्या सीखी है? विश्वास करें कि यीशु मसीह शैतान को हरा चुके हैं. दूसरी, विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है. एक हारा हुआ, थका हुआ, मरा हुआ, पापों में गिरा हुआ जीवन जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया हमें. हालेलुया, विजयी जीवन जीने के लिए बुलाया है. तीसरी बात क्या सीखी? अपने दिल, अपने मन और अपने विश्वास की रक्षा करो. और आखिरी बात, पाप के धोखे से अपने मन को कठोर ना होने दो. प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे.